तो भाई अब यहाँ से जाएंगे अपन सिद्धिविनायक मंदिर और वहां से डोंगरी और फिर वहां से घर, क्योंकि अब आने लग गई है नींद भैया। और अब्बा डब्बा जब्बा हो गया भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई। लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, मुझे नहीं पता, अच्छा कैसे भी करो, मुक्का मारो, लैपटॉप मारो, मोबाइल फेंक के मारो, पर करो यार। तो ये आ गए सिद्धिविनायक मंदिर, तो बंद हो गया वैसे ये। तो भाई ये जो एरिया है ये है नागपाड़ा, और मेरा ये फेवरेट एरिया है क्योंकि नागपाड़ा में जो स्कूटी बाइक जो लड़के चलाते हैं वो भाई बहुत जबरदस्त कट मारते हैं। मेरे हिसाब से अगर टैलेंट है तो भाई रेसिंग में भी जाना चाहिए, अब मजाक में नहीं सही में कह रहा हूँ। बाकी अब हम पहुंचेंगे भिंडी बाजार, उसके बाद जाएंगे डोंगरी और मोहम्मद अली रोड, वहां से तो जाएंगे। और अब भाई ये फ्लाईओवर के नीचे जो एरिया आ गया ये भिंडी बाजार है, और रात को हम इसलिए निकले क्योंकि दिन में तो बहुत ट्रैफिक होता है। बीच में देखा होगा कि भाई भिंडी बाजार का यहाँ पे दादा है, फोन का फोन भी इधर का दादा तो नहीं है, पर भिंडी बाजार आपको दिखा सकते हैं भाई। अब पहुंच गए अपने होटल, और कल शायद किसी के लिए मुझे लेना पड़ेगा यहाँ से गिफ्ट। और ये भाई गुची का शोरूम, टूट के हालत हो गई हमारी टाइट, और अब जा रहे हैं भाई अपने होटल, यहाँ से लेने पड़ेगा गिफ्ट, क्योंकि भाई घर पे लगता है कि हम एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय नहीं है व्लॉगिंग भाई, ये बहुत ही मेहनत का काम है। कल मिलते हैं आपसे सुबह, और अभी जाते हैं रूम में। तो भाई गुड मॉर्निंग तो हो गई है, और एज यूजुअल हमारा सनराइज छूट गया है क्योंकि हम सोए थे सुबह 5 बजे, बट हाँ हमने शूट वूट कर लिया वैसे तो, यस काम खाद में शूट हो गया सारा। तो अब भाई अपन बज गए हैं 11, और निकलना तो बिल्कुल फ्रेशन अप हो गया होता है। एक तो यार पता नहीं क्या होता है, जिस भी होटल में जाते ना चेकआउट के टाइम पे लेट हो जाता है, सब 20 फोन करते हैं हमें, अरे भाई निकल जा हमारे होटल से, तो छोड़ दे हमारा बीचा भाई, कस्टमर वेट कर रहा है। बाकी भाई होटल बढ़िया था, कल हम काफ़ी अंग्रेज, रशियन, US, कैनेडियन सबसे मिल लिए। ठीक है तो चलते, ओके। तो भाई अब इस प्यारे से व्यू को टाटा बोलने का टाइम आ गया, अब थोड़ा सा इमोशन वाला सीन है। रीज़न इसलिए कि भाई व्यू बहुत प्यारा था, और कल मैं और यश पूरे 2 घंटे यहीं बैठे रहे। यश तो पता नहीं मेरे से सोने के टाइम पे 4-5 घंटे बैठा ही रहा, लेकिन भाई सच में मतलब काम पीस और बिल्कुल सन्नाटा, और भाई बाहर शाम ढलते हुए देखो इधर पूरा सनसेट, मज़ेदार। खर्चा होता है बट वर्थ है। तो अब निकलते हैं भाई, लेट हो रहे हैं, फटाफट निकलते हैं। तो चल भाई यश फटाफट आ जा, लेट्स गो। तो भाई निकल रहे हैं अब दोस्तों, ये अपना होटल था पीछे, और सामने ये था अपना व्यू। आ जा भाई जल्दी से। ये एडिटर्स के साथ रह के मेरा जो स्टेटस है वो दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है, और अभी आपने देखा होगा इस क्लिप में कि ये कैसे टाइप का हॉस्टल मुझे दिखा रहे हैं। तो अब मैंने एक हॉस्टल चुना है क्योंकि मुझे हॉस्टल में एक बार लाइफ तो देखनी है, तो वहां चलते हैं। तो गाइस ये भी एक अलग ही सीन देखने को मिल रहा है। तो इधर मुस्लिम रिलीजन ने अपना कुछ डाला हुआ है, और वहां पे हनुमान जी के पोस्टर। भाई ये भी धक-धक वाला एरिया है भाई। तो ये यश और अरिजीत यहाँ पे फुटबॉल, और ये अदर हॉस्टलर्स टिडी खेलते हुए। तो बेसिकली ये सारा हॉस्टल है, फॉरेस्ट बैकपैकर है, और ये पूरा इधर बढ़िया तरीके से बनाया हुआ है, इधर सारा कलर वलर पेंट किया है, ये पूरा गेम वेम किया है। तो गाइज हम तो गए थक, और मैं रात भर सोया नहीं हूँ, तो पॉइंट इतना सा यहाँ पे बैठ के थोड़ा चिल करते हैं, काफ़ी माहौल अच्छा है यार। मतलब वैसे मैं थोड़ा सा इस मामले में ना इंट्रोवर्ट टाइप, मतलब नए लोगों से बात करने में थोड़ी शर्म सी आती है, लेकिन हॉस्टल में आ गया आई थिंक मे बी ये शायद चीज़ थोड़ी सुधर जाए कि यहाँ बैठ के और लोगों से बात करते, क्योंकि यहाँ सारे वर्ल्ड से ही लोग हैं। अभी यश इस मामले में बहुत स्मार्ट है भाई, किसी से भी बात कर लेता है, हाँ लेकिन सिर्फ फॉरनर से, किसी और से बात नहीं करता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें करने को, बोर्ड गेम्स हैं, टीटी, फुटबॉल टेबल, और अगर आप देखोगे तो बोर्ड गेम्स हैं बहुत सारे, बुक रीड कर सकते हो। ठीक है, और अंदर जाऊँगा तो आपको वो दिखाऊँगा रूम कैसा है हमारा। Later that same evening.
तो गाइस अब मुंबई की गलियों में हम जा रहे हैं एक क्लब में जहां हम मैट से मिलते हैं और मैट इज फ्रॉम एम्स्टरडम। हे मैट। सो हॉस्टल में आई लर्न समथिंग न्यू। मैंने आपको बताया था कि मैं थोड़ा सा रिजर्व रहना पसंद करता हूँ, बट दिस टाइम अरिजीत टोल्ड मी दैट यू शुड लिव योर लाइफ इन हॉस्टल एज वेल, सो आई एम ट्राइंग इट, इट्स गुड। बट जो हॉस्टल है वो अच्छी जगह अच्छी लोकेशन पे होना चाहिए, क्योंकि जो पहले हॉस्टल में गया था मैं, आपने देखा वो हॉस्टल कैसा था। अब क्लब की तरफ जा रहे हैं। हमारे मैट भैया ने कहा कि भैया एक बार क्लब चल लेते हैं आप लोगों के साथ, तो हमने कहा बिल्कुल चल सकते हैं। तो अभी हमें गूगल मैप पे सर्च किया था तो क्राफ्ट बार की तरफ हम जा रहे हैं। हाँ भाई, कहाँ जा रहा है? क्या करें वहाँ जाके? The next day. तो हमने गड़बड़ कर दी, गड़बड़ ये कर दी कि हमने अपनी गाड़ी तो पार्क कर दी लेकिन उसकी लोकेशन लेना भूल गए। माय कार इज स्मार्ट जस्ट लाइक मी। तो अपनी गाड़ी में इंटरनेट लगा हुआ है एमजी एक्टर में, ये तो एक खास फायदा ही है। तो हमें नेविगेट कर रहा है कहाँ पे, छोड़ी सी बिल्ली। तो अब देखो यार गाड़ी कहाँ है, वो खड़ी हमारी दनो। ये हमने पता नहीं कोई तो एरिया है इसके यहाँ पार्किंग कर दी थी अपनी गाड़ी। आज हम जा रहे हैं सिद्धि विनायक मंदिर जो बहुत फेमस है, पे काफी सुना है यार सिद्धि विनायक जी के बारे में, तो लेट्स सी और फिर आपको भी दिखाएंगे। भाई ऑन द वे टू टेंपल, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। तो ये यहाँ से हमारी हो गई एंट्री और ये हमारा सिद्धि विनायक मंदिर। तो हमारे जूते चप्पल पहले ही हमें बाहर उतरवा दिए, बट यहाँ पे फ्री में आप उतार सकते हो एंट्री करते ही। और हमारे जैसे भैया दो फुल 100-100 रुपए के दो। और हमें अभी पता चला कि हम बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं, जो कि आरती का टाइम है और यहाँ होती है आरती। पर गाइस यहाँ भीड़ बहुत ज़बरदस्त है। तो यहाँ पानी पीने के लिए आया, तो यहाँ पे एक डिज़ाइन टेक्निकल फॉल्ट है, वो ये कि जैसे आप बेंड होगे ये बहुत नीचे है तो आप झुक ही नहीं पाओगे, इसको थोड़ा ऊपर या आगे की तरफ निकलना था। तो ये यहाँ पे भाई डोनेशन रुपीज़ पर पर्सन आपको देना ही देना होगा, 100 रुपए का लाइन है तो उसके ऐसे कुछ बताया इन्होंने। और आशीर्वाचन चाहिए तो 1500 रुपये। यार ये तो गलत चीज़ है यार, मुझे ये चीज़ तो समझ नहीं आई, पर ये देख के तो मूड थोड़ा खराब हुआ। तो यहाँ कहते हैं कि इनके कान में बोलने से जो मांगो वो मिल जाता है। तो मैंने भी जो चीज़ नोटिस करी वो ये कि इनकी सीलिंग में सारे में शीशे लगे हुए हैं। तो गाइस ये देखा अपने सिद्धि विनायक के दर्शन और अब हम जा रहे हैं वापस, और अब होगा मेन जूहू चौपाटी पे, वहाँ जाएंगे आप जूहू चौपाटी देखते हैं। तो गाइस अब आ गए हैं जियो वर्ल्ड ड्राइव पे और हमारे प्यारे अंबानी जी के यहाँ पे, और ये मैं आपको चलो दिखाता हूँ।